तो आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां डीसी माधव मिश्रा पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 162 आने दो मैम को, आने दो वोटिंग करके। जी प्रकाश, देखिए वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है अभी, डीसी की भी तस्वीर हम साझा कर रहे हैं जहां पर माधव मिश्रा भी मतदान करने पहुंचे हैं और सुबह से कई दिग्गजों ने भी अपने मतदान किए हैं। तो अगर बात की जाए तो सुबह से लेकर के अभी तक की कैसे तस्वीरें बदल रही हैं, क्या मतदाताओं की संख्या क्या हो रही है कि मतदाता जो पहुंच रहे हैं, संख्या अगर बात की जाए युवाओं की या फिर महिलाओं की तो कैसी संख्या इनकी देखी जा रही है? यहाँ से बस वही निकलेंगे, जानकारी मिला प्रोग्राम में कि नहीं चल गया। तो तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि डीसी माधव मिश्रा भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। कल भी उन्होंने लोगों से अपील की थी टीवी 45 से, उन्होंने खास बातचीत में ये बात कही थी कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए महिलाओं से भी वो बातचीत कर रही हैं और सहयोगी प्रकाश लगातार वहां बने हुए। प्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जिस तरह से देखिए डीसी माधव मिश्रा भी मतदान करने के लिए पहुंची है और वो भी आम जन की तरह कर्तव्यविद होकर लाइन में लगे हुए अपने मत का प्रयोग करेंगी, तो क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से देखने को मिल रही है, लोगों में क्या कुछ उत्साह है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा साक्षी, क्योंकि देखिए अभी अभी उपायुक्त महोदय जो हैं वो यहाँ अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं और उनका बूथ नंबर है 162 जहां वो मतदान करेंगे। अभी वो लाइन पे लगे हुए हैं और जिस प्रकार से वोटर एक एक करके अंदर जा रहे हैं उनके बाद वो अंदर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव झा, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार विधानसभा क्षेत्रों में ये घूम घूम कर कवर भी कर रहे थे, तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्होंने अपना मत भी दिया है। अगर संजीव जी आज विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप लगातार बूथों पे जा रहे थे, आप लगातार लोगों से बात कर रहे थे, किन मुद्दों पर इस बार लोगों ने अपना मतदान जो है वो कर रहे हैं? धनबाद में दो तीन मुद्दे हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रॉब्लम, ये चार चीजें हैं जो कि धनबाद में बहुत ही चिंता का विषय है। और पिछले कुछ दिनों में रंगदारी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक्सटॉर्शन के लिए लगातार व्यवसायियों को फोन आ रहा है और भी लोगों को फोन आ रहा है, कई कार्रवाई अभी, लेकिन अभी तक वह गैंगस्टर तो पकड़ा नहीं गया और इसको दोनों प्रत्याशियों ने इस पर अपने मुद्दे में रखा भी है और पब्लिक के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब बातें चल रही है। लेकिन अगर हम बात कर ले पहले फेज की चुनाव के, तो पहले फेज में जिस तरह से कोल्हान का वोटिंग हुआ, दूसरे फेज में आपका संथाल और झारखंड धनबाद का वोटिंग होना है, तो इन जगहों पर जब हम लोगों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि विकास क्या झारखंड से अभी भी नजारत है? हाँ सही बात, विकास की बात वही मैं कह रहा था आपको। फ्लाईओवर जैसे धनबाद इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतने दिनों में आज तक ये भी कोई फ्लाईओवर नहीं बन पाया। सड़क जाम की बात हो रही, कई कई फ्लाईओवर बनाने की बात हुई, एक 8 लेन सड़क बना जरूर, लेकिन शहर की सड़कें भी बहुत चौड़ी नहीं हुई, कुछ चौड़ी हुई हैं, तो यह भी एक विकास का बड़ा मुद्दा है। और आज भी धनबाद के लोगों को पावर कट का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यह भी एक विकास से जुड़ा है। अगर आपको बिजली नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, यह सब एक उसका पार्ट है, विकास का ही पार्ट है। अच्छा आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इतनी सुविधा देने के बावजूद भी वोटर जो है वो घरों से नहीं निकल पाते, इसके क्या वजह मानते हैं? अपनी अपनी वजह है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा सजग हैं, वो लोग अपने वोट के प्रति ज्यादा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसकी कमी है, हर वर्ष शहर पिछड़ता रहा है और इतनी जागरूकता अभियान के बावजूद लोग वोट नहीं डालने निकल रहे हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए माधवी मिश्रा जी अभी अभी वोटिंग करके बाहर निकले हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या माधवी मिश्रा अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं मतदान करके वो बाहर। आज धनबाद के सभी 2372 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। एक बार पुनः धनबाद के सभी जिलावासियों, सभी मतदाताओं से निवेदन होगा कि अपने बूथ पे जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। आप वोट करते हैं, आपके मन में क्या चलता है?
अधिकारी हैं, ओहदे में हैं, आम लोगों की तरह आपके मन में भी कुछ इच्छाएं? आई थिंक सारी जनता जो है वो विकास को देख करके, ध्यान में रख करके, और जो उनके जनता के लिए सही है, जो जनता के हित में विचार रखते हैं, उनको देख करके ही वोट करते हैं, जो सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करे। वैसा ही सभी का ऐसी सोच है, तो उसी सोच के साथ जैसे सभी मतदाताओं की सोच है, मैं भी वोट के टाइम में तो मैं भी एक नॉर्मल मतदाता हूँ। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, यहाँ पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? चुनाव को लेकर हम लोग की तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही पूरी कर ली थी। अभी 9 बजे तक की वोटिंग हो चुकी है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी जगह सामान्य मतदान चल रहा है। बहुत कई छिटपुट कुछ तकनीकी खराबी की सूचना आई, वो भी हम लोगों ने 5 से 10 मिनट में रिजॉल्व कर लिया है। तो हम लोग की पूरी उम्मीद है कि 5 बजे तक जो हमारी मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे। मैडम फिर से जनता से, धनबाद की जनता से यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और धनबाद का वोटिंग परसेंटेज वो ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचे। कुछ उत्सुकताएं कमी में देखी जा रही है मैडम? इस टाइप की असुविधाएं, उत्सुकता कम देखी जा रही है, थोड़ा बहुत से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि धनबाद में 2 घंटे के आंकड़े क्या है, क्योंकि अब जो है कई जगहों से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत क्या है। वैसे धनबाद की बात की जाए तो क्या इस बात को लेकर के कोई जानकारी? अरे डायरेक्ट एक बार सवाल दोहराएं आप प्रकाश, धनबाद के 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत की क्या आंकड़े हैं, क्योंकि अब जो है वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सभी जगहों से, क्योंकि 9 बजे जो है वो पहले आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। अगर बात पूरे की जाए तो 12.71% है। धनबाद के बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, हम माधवी मिश्रा जी से ही बात करते हैं जो धनबाद के उपायुक्त हैं, आइए हम संपन्न होगा। मैडम एक सवाल रहेगा, क्योंकि आम लोग भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, कई तरह के मन ये सोच के वोट देंगे, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, कई तरह की बातें आपके दिमाग में भी होंगी। मैंने अभी बोला कि हम मतदान करने के टाइम में सभी लोग एक आम मतदाता हैं, कोई वीआईपी मतदाता नहीं है, तो जैसे सबकी सोच है कि जो उनके क्षेत्र के लिए काम करें वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुना जाए, वैसे ही मेरी भी सोच है कि जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करें ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुना। अभी लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है वोटिंग परसेंटेज लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मैंने बार बार बोला है कि धनबाद जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग परसेंटेज बढ़े, ये बात सही है कि शहरी क्षेत्रों में परसेंटेज बढ़े लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने की ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े, इसलिए इस बार हमारा स्वीप का खास फोकस शहरी क्षेत्रों में रहा है। अभी भी बहुत समय है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हमारे बीएलओज और हमारे जितने कर्मी लगे हुए इलेक्शंस में सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए अपने घरों से बाहर और वोट का प्रयोग। अभी जिले में कुछ संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित है, वहां पर कैसी व्यवस्था चल रही है, क्या वहां की सूचना कैसी आई है? संवेदनशील अति संवेदनशील नहीं, हमारे वनरेबल क्रिटिकल और कुछ नक्सल अफेक्टेड बूथ्स हैं, तो वहां पर भी जो आपको भी सूचना है और हमें भी सूचना है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है और वो आएगी भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप देखेंगे कि 5 बजे तक हमारा सभी 372 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होगा। 9 बजे तक कितने मतदान हो चुके वो अभी आपको डेटा हम लोग थोड़ी देर में। मैडम 3 घंटा हो चुके हैं, 5 बजे तक मतदान है, ऐसे में कई सारे मतदाता के घर से भी नहीं निकले हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? भाई अपने घर से निकलिए आप, हम लोगों ने पहले ही बोला कि पहले मतदान फिर जलपान, और अगर आप जलपान करके आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कम से कम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, तो अभी क्या कुछ कहना है धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा जी का, उनका साफ तौर पर कहना है कि घरों से निकलकर आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, क्योंकि पहले मतदान इसके बाद जलपान। और माधवी मिश्रा ने अभी अभी अपना मतदान करके वो बाहर निकली और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोटिंग परसेंटेज पर हमारी नजर है, शहरी क्षेत्रों पे किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इसके लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। लेते रहेंगे अपडेट आपसे लेते